IVTV देखता है इंडिया। नमस्कार, मैं हूं हैरी और आप सभी देख रहे हैं IVTV। बॉलीवुड की तरफ से फिर एक बार बड़ी और दुख भरी खबर सामने आई है। अक्षय कुमार की मां अरुणा भाटिया का आज निधन हो गया है। आज यानी कि 8 सितंबर को सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली। कुछ दिन पहले उनकी तबीयत खराब होने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद उन्हें ICU में भर्ती कराया गया था। इस दुखद खबर की पुष्टि अक्षय कुमार ने खुद अपने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी देकर की है। मां की तबीयत बिगड़ने की वजह से अक्षय कुमार विदेश से तुरंत भारत वापस आ गए थे। उन्होंने कुछ दिन पहले ही अपनी मां की तबीयत को ठीक करने के लिए फ्रेंड से दुआ करने की अपील की थी। मां के गुजरने के बाद आज अक्षय कुमार ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक पोस्ट शेयर किया और जिसमें उन्होंने लिखा है कि वह मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा थी, वह मेरी कोर थी। आज मैं काफ़ी असहनीय दर्द में हूँ। मेरी माँ अरुणा भाटिया आज सुबह शांतिपूर्वक इस दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया में पापा के साथ फिर से मिल गई हैं। हम आप सभी लोगों से प्रार्थनाओं की ज़रूरत है, क्योंकि अभी हमारा परिवार काफ़ी मुश्किल समय से गुजर रहा है। ओम शांत। गौरतलब है कि हाल ही में अरुणा भाटिया की तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें मुंबई के हीरा नंदानी अस्पताल के ICU में एडमिट किया गया था। परिवार वालों के आग्रह के कारण अस्पताल में अरुणा भाटिया की डिटेल को छिपा कर रखा था। शुक्रवार को ही अक्षय कुमार की मां इस अस्पताल में भर्ती हुई थी। आपको यही भी बता दें कि अक्षय कुमार अपनी माँ से बेहद करीब हैं और जैसे ही उन्हें अपनी माँ की तबीयत बिगड़ने की खबर मिली, वे लंदन से मुंबई तुरंत वापस आ गए थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।